Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and from now onwards, I will be making videos for ACCA F4, that is Corporate and Business Laws. Firstly, before we get started and I introduce this subject to you, I would like all the new students who have visited my channel for the first time to know that I've already provided all the lectures of ACCA F1 and F3, and you can find that in the description box. Plus, I've shared a link to my drive in which I've uploaded most of the books that I have, and you can also download the book from there. Okay guys, so and to all the viewers, please subscribe my channel, please share my channel so that most of the students can take benefit of these three videos. And jo mera target hai, I have a target, just I would want to share it with you. I have a target that कि मैं ACCA की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड कर सकूं, बट द पॉइंट इज़ आई एम अलोन हु इज़ वर्किंग ऑन दिस एंड नो टीचर विल हेल्प मी बिकॉज फ्री में ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, बट इट्स माई टारगेट, आई विल डू दैट इन एनी कॉस्ट, बट फॉर दैट आई नीड ऑल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. हर तरीके से मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए. यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर माई चैनल, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग ACCA टू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट. Because this is the only way I'll be get encouraged by all of you. ठीक है guys? So, चलो फालतू की बात हो गई, अब काम की बात पे आते हैं, है ना? So, what we will be studying in this chapter, ये chapter boring है या chapter interesting है, chapter practical है या theoretical है, वो मैं तुम्हें अभी बस बताने लगा हूँ इन चंद पलों में. So, first of all, let's see के इस chapter के इस subject के अंदर हमारे कौन कौन से chapters आते हैं. So guys, इस subject में we have total 12 chapters, ठीक है? और ये जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर तुम वो चीज़ें पढ़ोगे जो शायद तुमने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी कभी. आई एम अज्यूमिंग कि तुमने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी बिकॉज इन इंडिया टिल 12th हम ये लॉज वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते. तो इस सब्जेक्ट में यू विल बी स्टडिंग के कोर्ट के नज़रिए से, मैं क्रक्स बता रहा हूँ, कोर्ट के नज़रिए से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत. व्हेन यू आर फाइटिंग इन कोर्ट, अगर तुम्हें पता है तुम गलत चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है होनी, तो कोर्ट पहले ही दिन में तुम्हारी जो प्ली है वो कैंसिल कर देगा, है ना? तो इस सब्जेक्ट में यू विल बी स्टडिंग कि रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट, एजेंसी, बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के अंदर क्या सही है क्या गलत है कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो चीज़ हम कोर्ट में जाके करें तो हमारे को कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इट्स प्योर थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है इसमें, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ है ये सब्जेक्ट. बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है इस सब्जेक्ट में, ठीक है? और गाइस, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो कि उस चैप्टर में बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं. हो सकता है फर्स्ट टाइम जब तुम बुक खोलो उसमें देखो कि इतनी सारी केस स्टडीज़, ये क्या है, ये क्या लर्न करनी पड़ेंगी. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यू डोंट हैव टू लर्न इट. Those all case studies are kind of example कि जब वो केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया, कोर्ट ने क्या फैसला किया, उस फैसले से हमने कुछ लॉज बनाए कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट ने वो चीज़ बोली हुई है. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा. बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आगे लीगल में हमें और ज़्यादा एनहांस करने अपने लीगल टर्म्स, लीगल चीज़ों नॉलेज को, तो उनके लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये. फर्स्ट थिंग गाइस, इस सब्जेक्ट में आई विल नॉट बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 बिकॉज इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें इन्होंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में डाल दें. बहुत सारी चीज़ें हैं उस चैप्टर में जो हम आगे वाले चैप्टर्स में मोस्टली कवर कर ही लेंगे थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट द पॉइंट इज़ कि वो चैप्टर अगर मैं उठाऊंगा तो यू ऑल विल फील लाइक ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, इतनी सारी चीज़ें कुछ पढ़नी पड़ेंगी हमें, विच आई डोंट वॉन्ट. तो लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, आई विल स्किप द फर्स्ट चैप्टर फॉर द टाइम बिंग एंड आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ठीक है गाइज, अगेन आई एम आस्किंग ऑल ऑफ द व्यूअर्स कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो माई चैनल. जिसने वीडियोज़ F1 और F3 की नहीं देखी हैं वो ऑलरेडी, वो देखो मेरी वीडियोज़, ड्राइव से बुक्स डाउनलोड करो, पढ़ो. ठीक है, और जस्ट एक वैसे ही एक मतलब ऐसी नॉर्मल, आई हैव शेयर्ड माय इंस्टाग्राम चैनल, आई एम फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स एंड अपलोडिंग ऑन इंस्टाग्राम,
सो इफ़ यू लाइक दी पिक्चर्स देयर एज वेल यू कैन सब्सक्राइब टू माई इंस्टाग्राम चैनल. चलो बहुत फालतू बातें होगी गाइस, छोटी छोटी फालतू बातें मैं बीच में करता रहता हूँ. लेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली क्या है गाइस, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ हम धीरे धीरे करेंगे. मैं ये नहीं चाहता, और गाइस सबसे बड़ी चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कभी भी अपने नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ा था. वॉट एवर आई टीच इज़ फ्रॉम बुक, प्लेन लैंग्वेज. रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जो ACCA का तुम्हारा एग्ज़ाम आता है, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आएगा. तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें लॉजिक भी होती हैं, लेकिन उसमें वर्ड टू वर्ड बहुत चीज़ें भी होती हैं. तो अगर वो लाइन तुमने ऑलरेडी इस बुक में कहीं पढ़ी हुई है और हमने उसको मार्क किया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो वो वैसे भी तुम्हारे माइंड में याद रहेगी. कई बार ऐसा होता है लॉजिक हमें पता होता है, बट कुछ लाइंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई टीच प्योरली फ्रॉम बुक, बुक की लैंग्वेज से मैं पढ़ाता हूँ. और सभी को मैंने, सारे स्टूडेंट्स को अपने बोला हुआ है, किसी को कोई भी डाउट हो दे कैन आस्क देयर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. प्लस आई विल बी मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ACCA F4. मैंने F3 का बनाया हुआ है, जिसमें बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ, या फिर बच्चे खुद ही आपस में सॉल्व कर लेते हैं. तो ऐसे ही मैं F4 का भी बनाऊंगा, बट आफ्टर 2-3 चैप्टर्स जब मैं अपलोड कर लूँगा. सो लेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अभी ये चीज़ सारी छोड़ दो गाइस, मैं तुम्हें इस चैप्टर का एक छोटा सा बेस बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, ये सारा एक छोटे से ब्रीफ में. सो लेट्स से दिस इज़ पर्सन ए, दिस इज़ पर्सन बी, ठीक है. इन दोनों के बीच में एक टर्म हुई, कोई भी टर्म. लेट्स से फॉर एग्जांपल ए ने बोला कि मैं तुम्हारे को बिल्डिंग सेल करूँगा, और बी ने बोला ओके मैं इतना प्राइस, लेट्स से ये अमाउंट तुम्हें दूंगा उस बिल्डिंग के लिए, ठीक है. सो इस चीज़ को क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूँ? क्या कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं? क्या अगर मैंने इस बी ने बिल्डिंग लेने से मना कर दिया बीच में, तो क्या जो इसने एडवांस दिया वो कैंसिल हो जाएगा? क्या ए मना कर सकता है बिल्डिंग देने से या नहीं? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन गलत होगा, कौन सही होगा? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दिस इज़ अ बिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो जस्ट तुम्हारे को मैंने एक ब्रीफ बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है, दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो हाउ कैन वी से दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, ठीक है. तो द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नीडेड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट थिंग, अग्रीमेंट. अग्रीमेंट मीन्स एक बंदे ने ऑफ़र किया हो एंड द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफ़र. मैंने उसको ऑफ़र किया बिल्डिंग देने को इस प्राइस पे, बहुत ही क्लियर टर्म्स में, इस रेट पे मैं बिल्डिंग तुम्हें दे रहा हूँ, और दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट करा हो कि हाँ मैं बिल्डिंग लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है गाइस कि रिटन अग्रीमेंट पेपर पे साइन, नो, इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अग्रीमेंट. इट्स अग्री, हम अग्री कर रहे हैं, तो दैट इज़ अग्रीमेंट. द अदर पर्सन इज़ अग्रीइंग ऑन द टर्म सेट बाय द पर्सन हु इज़ गिविंग द ऑफर. सेकेंड इज़ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर मैं कोई चीज़ दूसरे पर्सन को दे रहा हूँ, सो उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन है विच आई एम टेकिंग. कंसिडरेशन इज़ लाइक अमाउंट और समथिंग, मतलब जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लो. सो कंसिडरेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ मनी और कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग एल्स, बट जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है उस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते. एग्जाम्पल, ये है बी. ए ने बी को बोला कि 3 दिन बाद मैं तुम्हारे को 3 लाख का गिफ्ट दूंगा. ए ने बी को बोला मैं 3 दिन बाद तुम्हें 3 लाख का गिफ्ट दूंगा. बी ने अग्री कर लिया. 2 दिन बाद ए मुकर के मैंने गिफ्ट देता. सो क्या बी कोर्ट में जा सकता है? आई वुड से नो. रीज़न, ये जो अमाउंट वो दे रहा है, इसके अगेंस्ट कंसिडरेशन क्या है? ए को क्या मिल रहा है? वॉट इज़ ए गेटिंग? ए को तो कुछ नहीं मिल रहा. तो दिस कैन नॉट बी, एंड आई कैन नॉट से दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, जो बेटर एग्जाम्पल हो सकता है, दैट कैन बी लाइक कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारे को कार दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हारे को कार दूंगा 4 दिन बाद, मैं यूज़ नहीं कर रहा, लिख के दे दिया. 3 दिन बाद ए गायब हो गया, कार लेके चला गया. बी गया कोर्ट में कि देखो ए ने मुझे कहा था कि मैं 3-4 दिन बाद तुम्हें कार दूंगा फ्री की, और ए तो गायब हो गया, तो मैं उस पर केस करना चाहता हूँ.
कोर्ट विल लाफ एंड कोर्ट विल से कि तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कोई कंसिडरेशन ना हो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो कंसिडरेशन मीन्स कि जो भी हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ कंसिडरेशन भी है. थर्ड पॉइंट इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी दो पार्टीज हैं वो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा हूँ सो मेरे मन में एक चीज़ है कि कल को ये मुझ पे केस कर सकता है अगर मैं गलती करूँगा. दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि मैं अपना घर तुम्हें बेच रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम अग्रीइंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पेपर बना हुआ, उसमें मैंने साइन कर दिया, सब कुछ कर दिए, दैट मीन्स मैं अपने आप को लीगली बाउंड कर रहा हूँ कि अगर मैं घर नहीं बेचूंगा तो मेरे अगेंस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इशूज़ हो सकते हैं. सो दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. कैपेसिटी. अब कैपेसिटी, मैंने तुम्हारे को बोला कि मैं एक प्राइवेट जेट तुम्हें बेचूंगा, 10 करोड़ का प्राइवेट जेट मैं तुम्हें बेचूंगा, जस्ट एन एग्जांपल. मेरी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए वो बेचने की. मैंने बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तुमने अग्री कर लिया, मेरे पास तो है ही नहीं वो जेट, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, हवा में बोल रहा था. सो कैपेसिटी अगर नहीं होगी सो दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और लीगैलिटी. लीगैलिटी मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने करा है दैट शुड बी फॉर अ लीगल थिंग. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होते. इलीगल मतलब कि मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा उसके बदले तुम मुझे पैसे दो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट दैट इज़ इलीगल बिकॉज जिस चीज़ पे हम डील कर रहे हैं दैट इज़ ड्रग्स, ठीक है. सो गाइज, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें होंगी तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड बोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कॉन्ट्रैक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या इनवैलिड होता है. तो सबसे पहले आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप के हो सकते हैं, ओरल, रिटन, क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कैन ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी है कॉन्ट्रैक्ट, बोल सकते हैं हम उसको, क्या उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, देखेंगे. मैं नहीं बोल रहा नहीं कर सकते, देखते हैं. फर्स्ट, जनरल रूल. जनरल रूल क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन एनी फॉर्म विच इज़ कॉल्ड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी रिटन और ओरल और इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी. सब रिटन और ओरल का तो तुम्हें मतलब पता ही होगा. इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी मतलब कि उसने बोला नहीं है, जैसे एक पर्सन बोल रहा है उसके बिहाफ पे मैं तुम्हें गुड्स दे दूंगा, ये ए है, ये बी है, ये सी, दिस इज ए बी सी. बी ने सी को बोला कि ए के पास एक चीज़ है जो वो बेचना चाहता है और आई विल हेल्प यू इन कि वो मैं सेल कर दूंगा सब कुछ, और ए को इस बारे में पता है और ए कुछ मना नहीं कर रहा बी को कि ठीक है तू मत कर, मैं नहीं बेचना चाहता, ए इज़ अग्रींग टू दैट. सो दैट मीन्स इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज़ कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज. इनके कंडक्ट से पता चला है कि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ए और बी ने डायरेक्टली आपस में बात नहीं करी है बट उनके कंडक्ट से दे हैव कम टू नो कि दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. सो मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम बनाते हैं दोज आर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या होती है, कहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सेप्शन चाहिए होती है. सो सम कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सच एज इन राइटिंग और दे विल बी void. मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिटन होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट void होंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टी, अगर मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ सो देर इज़ अ प्रॉपर सेल डीड जो बनती है. अगर वो सेल डीड ही नहीं बनेगी, क्या वर्बली मैं बोल दूंगा मैंने घर बेच दिया, वो नहीं हो सकता ना. सो दैट इज़ एक्सेप्शन टू अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल अब इसके क्या क्या हो सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ इन अ कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड मस्ट ऑल्सो बी इन राइटिंग. ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है गाइस, जिन बच्चों ने बेसिकली इंडिया से 11th 12th पढ़ी हुई है तो उनको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं. बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं तुम्हें बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है. वेन देर आर टू पर्सन ए एंड बी, बी ने ए को लेट से $10,000 देने हैं, बी ने ए को $10,000 देने हैं, बट बी अभी वो पैसे नहीं दे सकता. बी बोल रहा है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अभी तुम्हें $10,000 दे दूँ. तो ए ने क्या किया, ए ने बी से एक पेपर पे साइन करा लिया
देयर इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर इट, सब कुछ लिखवा के उसे साइन करा लिया कि लेट से 3 मंथ्स बाद बी मुझे ये $10,000 देगा, साइन करा के ए ने अपने पास रख लिया। दिस इज़ कॉल्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली अकाउंट्स का पार्ट है, बट जस्ट एज नॉलेज आई थॉट टू शेयर इट विद यू कि जब हमें कहीं से पैसे आने होते हैं, हम एक पेपर पे प्रॉपर फॉर्मेट में साइन करा के उसे रख लेते हैं कि इतने महीने बाद हमें पैसे दे दियो, अगर नहीं देगा तो मैं कोर्ट में चला जाऊँगा। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन कंपनीज, इन सब के लिए हमें एक रिटन एग्रीमेंट चाहिए होता है, यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट काम नहीं करता। देन कम्स स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कन्वेंस ऑफ लैंड एंड लीज फॉर 3 years और मोर मस्ट बी बाय डीड, दीज आर नोन एज स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। सच कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड, विटनेस एंड डिलीवर्ड। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉपर्टी में लीज पे ले रहा हूँ 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, आई एम नॉट बाइंग दी प्रॉपर्टी, इट्स लाइक अ रेंट फॉर 3-4 years, कि 4 साल का रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, मैंने 4 साल के पैसे एक साथ दे दिए, दैट इज़ काइंड ऑफ लीज। सो उस लीज एग्रीमेंट में दैट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड बाय बोथ दी पार्टीज एंड इट शुड बी विटनेस बाय द थर्ड पर्सन, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो थर्ड पर्सन को पकड़ सकते हैं कि भाई तूने कन्फर्म किया था, तूने विटनेस किया था कि ये दो बंदे थे, उस पर भी बात आ सकती है। इट इज़ विटनेस एंड इट इज़ डिलीवर्ड टू बोथ दी पार्टीज। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय डीड इज 12 years, फॉर ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन पीरियड इज 6 years। कि अगर हम डीड से, जैसे सेल डीड हो गई या कन्वेंस डीड हो गई, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइफ होती है वो 12 years होती है, बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन होते हैं उनकी जो लाइफ होती है दैट इज 6 years। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ टर्म, मतलब जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये चीज़ लिख दी, दैट इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन को लिखने का मतलब क्या होता है? इस लाइन को लिखने का मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पार्टी पे कोई भी केस नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो घर बेचने का, एक घर की डिटेल्स लिखी हुई है सारी, सब कुछ लिखा हुआ है, वो घर बेचने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ये लाइन लिख दी सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये गाइस सिर्फ एक एग्जांपल है ताकि तुम्हें समझ आ जाए, हर चीज़ में एग्जांपल से दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर बीच में मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैंने घर बेचने से मना कर दिया या तुम्हारे पास कुछ फंड्स की अरेंज नहीं हो पाए, तुमने मना कर दिया, तो मैं केस नहीं कर सकता बिकॉज दिस टर्म इज़ रिटन। हाँ, अब तुम बोलोगे कि सर अगर कॉन्ट्रैक्ट ही फुलफिल हो गया तो केस कैसे करेंगे, मैंने लिखा था तुम्हें इतना बड़ा घर दूंगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ होंगी, बट एक्चुअली में जब तुम्हें घर मिला वो चीज़ें नहीं थी, सो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, देन यू कैन गो फॉर अ केस। बट फॉर द टाइम बीइंग जो चीज़ तुम्हें समझनी है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट लिखने का मतलब है टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फिनिश्ड, कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं पूरा हो जाता, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम केस नहीं कर सकते। सो वेयर द वर्ड सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर यूज, दिस मीन्स द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर नॉट लीगली बाउंड अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। इवन दो द पार्टीज हैव एग्रीड इन टर्म्स, द मैटर इफेक्टिवली रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ नेगोसिएशन। Furthermore, either party can withdraw from the transaction without any liability. ठीक है guys? So for our understanding number one करते हैं। So understanding number one is the vast majority of contracts are simple. ठीक है, वो हमने पढ़ा ही था कि normally सारे contracts simple होते हैं। What is the meaning of the word simple in this context? Simple का मतलब क्या होगा? A, the terms of contract are set out in writing. This is wrong. हमने बताया था कि simple contracts can be written, can be oral. The contract does not need to be in any particular form to be binding. मतलब it's not written कि contract written हो या oral हो, contract can be in any form. तो मुझे ये सही लग रहा है, बट मैं बाकी options भी एक बार देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और option भी हो सकता है. C, the contract contains fewer than 10 provision. अरे ये तो चीज़ हमने कभी पढ़ी नहीं, oral में कौन से provisions होंगे, है ना, तो ये तो possible ही नहीं है. The contract is not supported by consideration. तो guys ये तो contract ही नहीं हुआ,
अगर कंसिड्रेशन ही नहीं है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. तो योर आंसर इज बी, अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट नीड टू बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म टू बी बाइंडिंग. ठीक है गाइस, अब आता है ऑफर. अब यहाँ पे हमें टर्म्स पढ़ेंगे सारी सारी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, वो सब सब हमें एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे. सो ऑफर बेसिकली क्या होता है, एन ऑफर इज अ डेफिनेट एंड इन इक्विवोकल स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस टू बी बाउंड ऑन स्पेसिफाइड टर्म्स विदाउट फर्दर नेगोशिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, सारे जो केसेस हैं वो यहीं पे आके फंसते हैं, विदाउट फर्दर नेगोशिएशन. इसका मतलब क्या है, अगर तुम किसी को कोई ऑफर कर रहे हो और उसमें तुमने एक एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है. एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम्हारे को आई गिव, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बात करी, आई सेल यू माई प्रॉपर्टी एट दिस रेट ऑन दिस डे एट दिस प्राइस, और क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, डिटेल मैंने सारी लिख दी, दैट इज़ कॉल्ड एन ऑफर फॉर सेल. लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ, आई एम विलिंग टू सेल माई प्रॉपर्टी एट दिस प्राइस, दिस इज़ नॉट एन ऑफर फॉर सेल. इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है, क्या क्या चीज़ में दे रहा हूँ मैंने वो नहीं बताई, तुम्हें दूंगा कि नहीं दूंगा मैंने वो नहीं बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई. तो अगर तो एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी जिसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, देन इट विल बी कॉल्ड एन ऑफर. लेकिन अगर मैंने कोई भी नेगोशिएशन का पॉइंट छोड़ दिया जहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एन ऑफर. उसको हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ट्रीट. मतलब ये मैंने सिर्फ एक टर्म बनी हुई है, इन्विटेशन टू ट्रीट, कि जिस ऑफर में कुछ नेगोशिएशंस होती हैं, जो प्रॉपर ऑफर्स नहीं होते, दोज आर नॉट ऑफर्स, दोज आर इन्विटेशन टू ट्रीट. ठीक है, तो एन ऑफर कैन बी इन एनी फॉर्म, ओरल, रिटर्न और बाय कंडक्ट. हाउएवर इट इज़ नॉट इफेक्टिव अनटिल इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. जो ऑफरी है उसको जब तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो ऑफर कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ लॉस्ट आइटम, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय समवन हु डिड नॉट नो ऑफ द रिवॉर्ड बिफोर ही रिटर्न्स द आइटम. तुमने मैंने न्यूज़पेपर में अभी डालना था कि मैं 50,000 रुपये दूंगा जो मेरे डॉगी को घर ले आएगा. हुआ क्या, डालने से पहले ही एक बंदा ले आया. अब मैंने वो जो ऑफ़र था कि 50,000 रुपये दूंगा, वो कम्युनिकेट तो किया नहीं किसी को, और वो पहले ही ले आया. ही कैन फाइट कि वैसे तो आपने देने ही थे तो मुझे दे दो. मैंने बोला, मैंने भी कंफर्म थोड़ी किया मैं दूंगा, मैंने किसको बोला मैं दूंगा, कहाँ लिखा हुआ ये चीज़. सो इट इज़ नॉट कम्युनिकेटेड. सो कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी. ऑफर कैन बी मेड टू पर्टिकुलर पर्सन, टू अ क्लास ऑफ पर्सन, और इवन टू द होल वर्ल्ड. जैसे एडवर्टीजमेंट में कर रहा हूँ, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर एडवर्टीजमेंट दे दी, सो दैट इज ऑफर टू एवरीवन. ठीक है, अब व्हाट इज नॉट एन ऑफर, इसमें अब तुम्हें केस स्टडीज आएंगी क्या होती हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू रीड अ केस स्टडी, केस स्टडी कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम केस स्टडी से पॉइंट समझ सकते हैं, वो भी हमें अब पता चलेगा. सो व्हाट इज नॉट एन ऑफर, एन इन्विटेशन टू ट्रीट इज नॉट एन ऑफर. इन्विटेशन टू ट्रीट का मैंने मतलब क्या बताया था, कि उसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस रह जाती हैं, हर चीज़ क्लियर नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ जो भी चीज़ हमें बतानी है. सो एन इन्विटेशन टू ट्रीट मीन्स एन इन्विटेशन टू द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर. एग्जाम्पल, वी मे प्रिपेयर टू सेल, एन इन्विटेशन ऑफ ट्रीट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर एक इनविटेशन टू ट्रीट है, उसमें नेगोशिएशन है, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते. तो मेरे को बोलोगे सर इसके एग्जांपल्स बताओ क्या है, है ना, वो गाइस एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अभी, बट मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि इतनी केस स्टडीज इसके अंदर हैं, उसको पढ़ के तुम्हारे वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, दिस इज़ नॉट एन ऑफर, हम सोचते थे केस कर देंगे, वो पता चलेगा धीरे धीरे गाइस. ठीक है, सो अब एग्जाम्पल्स ऑफ इन्विटेशन टू ट्रीट क्या होते हैं, लेट स्टडी एग्जाम्पल्स ऑफ इन्विटेशन टू ट्रीट. फर्स्ट इज मोस्ट एडवर्टीजमेंट, जो भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पे या बाहर जैसे बोर्ड्स लगे होते हैं, उन एडवर्टीजमेंट को क्या मैं ऑफर बोलूँगा या इन्विटेशन टू ऑफर. तो अगर कोई लेमैन से तुम पूछो तो वो तो यही बोलेगा कि तो ऑफर है, वो मैं ऑफर कर रहे हैं ये चीज़. लेकिन अब तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यू विल नॉट से दैट इज़ नॉट एन ऑफर.
उसमें लिखा हुआ है, उसमें हर छोटा सा लिखा होता है हर जगह टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, दैट मीन्स नेगोशिएशन. तो हाउ कैन दैट बी अ क्लियर ऑफर? सो दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर. अब एक ये केस हुआ था, तुम्हें नाम बिल्कुल नहीं याद करना, ये एक केस है. हमें नाम नहीं याद करना, हमें सिर्फ ये देखना है फैक्ट्स और हेल्ड. फैक्ट्स का मतलब क्या है? फैक्ट्स मीन्स कि इस केस के अंदर क्या चीज़ हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, और हेल्ड मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था उस केस के अंदर. तो यहाँ से हमें एग्जांपल्स बहुत सारे मिल सकते हैं. तो फैक्ट इस केस का क्या है? द डिफेंडेंट पुट फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ मैगजीन दैट ब्राहम ब्लिफिक कॉक्स एंड हेंस 25 सेंट ईच. The Protection of Bird Acts made it an offense to offer such birds for sale. तो जो भी एक्ट है उसने बोल दिया था कि इस बर्ड को आप बेच नहीं सकते, बट स्टिल उसने इन्विटेशन मार्केट में लगा दिया था. तो अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं कि एक जगह ये चीज़ लिखी हुई है, जैसे हम अगर तुम सब्जियां खाते हो कि टमाटर 20 रुपये किलो, ये एक जगह लिखा हुआ है, विल यू से इट ऑफर या फिर इन्विटेशन टू ट्रेड? तुम सोचोगे सर उसने लिखी तो दिया कि 40 रुपये का वो देगा, तो दैट इज़ लाइक एन ऑफर, बट आई विल से नो. हो सकता है तुम जाओ उसके पास, टमाटर ख़त्म हो जाए, नहीं मिला ना तुम्हें. हो सकता है तुम जाओ, तुम्हें टमाटर पसंद ना आए, हो सकता है ना कि वो चीज़ नहीं हो सकती. हो सकता है तुम जाओ, तुम बोलो कि भाई ये टमाटर तो 30 रुपये के हैं, 40 रुपये की तो उनकी वैल्यू नहीं. सो देर आर लॉट ऑफ रूम फॉर नेगोशिएशन, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल इट एन ऑफर. सो इसमें भी यही हेल्ड हुआ, This is an invitation to treat and not an offer. The advertisement states that bird were sale, not that the seller would sell to all the comers. सबको नहीं सेल करेगा, उसके बाद birds ही अगर 10 हैं तो सबको थोड़ी बेच देगा वो, कुछ बंदों को तो मिली नहीं, तो वो केस थोड़ी कर देंगे कि भाई तूने बोर्ड पे लगाया हुआ है कि तू बर्ड देगा, तुम तो बर्ड दी नहीं हमें. वो बोलेगा भाई इट्स नॉट एन ऑफर, इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर ट्रीट. ये सिर्फ इन्विटेशन है, आओ देखो, नेगोशिएशन हो सकती है. The defendant therefore not contravention of the act, के वो act में नहीं आया, वो बच गया. ठीक है, exception to to an advertisement is not an offer. अब ये भी एक बार हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा. exception to an advertisement not being an offer, इसका मतलब क्या है, एक बार read करते हैं. Note, however, it would not be an offer if no further negotiations were intended. Oh sorry, it would be an offer अगर नो फर्दर negotiations वर इंटेंटेड और एक्सपेक्टेड. जैसा मैंने बताया था, अगर मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट किया है और उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, मैंने ये लिख दिया उसी जैसे मैं ऊपर वो वाला बोलता हूँ कि कॉक्स एंड हेंस वाला, उसने बोला कि जो भी मेरी शॉप पे आएगा उसको मिनिमम जो कॉक्स हैं 10 कॉक्स मैं सबको दूंगा, मिनिमम कॉक्स 10 दूंगा, और दैट इज़ 25 सेंट ईच में. सो इसको अब मैं ऑफर बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गया और उसने मेरे को मना कर दिया, मैं उसको बोलूँगा भाई तूने लिखा हो तो सबको देगा और तूने मेरे दिया नहीं है मेरे को, तो मैं तो तेरे पे केस कर दूंगा. दैट कैन बी एन एक्सेप्शन टू एन एडवर्टीजमेंट. सो हाउएवर इट वुड बी एन ऑफर इफ नो फर्दर नेगोशिएशंस वर इंटेंटेड और एक्सपेक्टेड. सो यहाँ पे एक वही केस दिया हुआ है, हमें केस याद नहीं करना, वेयर द एडवर्टाइजर्स मेड इट क्लियर दैट दे वुड पे मनी टू एनी वन अकम्पलिंग विद द टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. जो भी उस एडवर्टीजमेंट की टर्म्स फुलफिल करेगा उसको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, तो दैट इज़ अ ऑफर. अब ये ऑफर है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन का रूम नहीं है. ठीक है, अब वो केस क्या था गाइस, ये केस देख लेते हैं एक बार. सो फैक्ट क्या थे उस केस में, क्या हुआ था? द मैनुफैक्चर ऑफ मेडिकल एक स्मोक बॉल वो बनाता है, advertise in newspaper that anyone who bought and used the ball properly and nevertheless contracted influenza would be paid 100 reward. उसको इतना reward मिलेगा. Mr. Carroll used the ball as directed and did not catch influenza. The defendant claimed that there was no enforceable contract because Mrs. Carroll has never notified the company that she accepted the offer. अब अगर तुम्हें ये केस समझ नहीं आया, मैं इसका और अच्छा सा एक केस बनाता हूँ, विच वुड बी बेटर, इसी से लिंक. एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है, एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक पराठा मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो चुर चुर नाम,
मुंह में पानी आ गया होगा ना सबके, मेरे भी आ गया, बट क्या करेगा, इस लॉकडाउन है। दिल्ली में बड़ा फेमस है चूर चूर नान, बट मैं नहीं जा सकता, इट्स लॉकडाउन। सो एक जगह है, एक रेस्टोरेंट है जिसका एक चूर चूर नान होता है, और उसने चैलेंज किया है, एक ऑफर दिया सबको कि एनीवन हु विल ईट अ कंप्लीट चूर चूर नान, कंप्लीट नान इन 30 मिनट्स विल बी रिवॉर्डेड। उसने एक ऑफर अपने शॉप के बाहर बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जो भी ये चूर चूर नान पूरा खा लेगा आधे घंटे के अंदर, वो बंदा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड का अमाउंट लिखा हुआ है, लेट्स से 10,000 रुपीज़ उसको मिलेंगे। ठीक है ना गाइस, हम सब भूखे हैं, हम तो सारे खा ही लेंगे, लेके चलो उस शॉप पे, हम अभी चलते हैं, है ना, सबको सोच रहे होंगे ये चीज़, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस। ठीक है, तो उसी से मैंने थोड़ा सा फ़नी सा एग्जाम्पल बनाया। तो हुआ क्या, चलो तुम उस शॉप पे गए, तुमने ये बोर्ड पढ़ा, तुमने एक चुरचुर नान ऑर्डर किया, और तुमने 28 मिनट्स में वो खा लिया, तुमने सारे रूल्स फॉलो करे, तुमने स्टार्ट के टाइम पे पिक्चर क्लिक करी और वीडियो भी बनाई पूरी 28 मिनट्स की खाते हुए की। अब तुम उस बंदे के पास गए कि भाई ये देख मैंने तेरा चुरचुर नान खा लिया, तो ये इसका फैक्ट है। अब हुआ क्या, उस बंदे ने तुम्हें मना कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुमने कहा क्यों, वो कह रहे कि भाई तुम्हें खाने से पहले मेरे को बताना चाहिए था, खाने से पहले मुझे बताओ तो सही कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुमने बताया नहीं, सीधा खा लिया, मुझे क्या पता। हालांकि यू हैव प्रूफ हर चीज़ के कि तुमने 28 मिनट्स में ख़त्म किया है, सब कुछ पूरी प्रॉपर वीडियो है। अब द पॉइंट इज़ तुम कोर्ट में चले गए, वो बंदा कह रहा है कि भाई पहले मुझे इंटीमेट तो करो कि तुम चुरचुर नान खा रहे हो, तभी तो मैं देखूंगा ना तुम टाइम पे खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, मैं क्यों पैसे दूं। तो कोर्ट ने क्या फैसला किया, कोर्ट ने बोला द कोर्ट रिजेक्टेड द डिफेंडेंट्स आर्ग्यूमेंट, मतलब कोर्ट ने उस दुकान वाले का आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया, बेसिस दैट द वर्डिंग ऑफ द एडवर्ट वॉज सच दैट तुमने चुरचुर नान, यू नीडेड टू कंप्लाई ओनली द टर्म्स ऑफ द ऑफर एंड देयर वॉज नो फर्दर नेगोसिएशन इंटेंटेड। तुमने सारी कंडीशन फुलफिल करी जो उसमें लिखी थी, और उसमें कोई फर्दर नेगोसिएशन नहीं हो सकती, और तुमने वो चुरचुर नान टाइम पे खा लिया। जैसे ही तुमने वो सारी कंडीशंस फुलफिल करी, यू आर एलिजिबल फॉर दैट अमाउंट। उसने जनरल ऑफर करा है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ उसमें कि खाने से पहले मुझे बताओ, उसने किसी को भी बोला हुआ जो भी ये चीज़ खाएगा इतने टाइम पीरियड के अंदर उसको इतने पैसे मिलेंगे। सो दिस इज एन ऑफर। सो फर्दर मोर बेसिकली एक ये भी चीज़ है जिसमें एक चीज़ एक बोलते हैं हम जस्ट अ मियर और पफ, इसका मतलब क्या होता है कि मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ मजाक, ये प्रॉपर लिखा हुआ है बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इन फन। ठीक है ना, फर्दर मोर वेट वॉज प्लेस्ड ऑन दिस मच बैंक डिपॉजिट दैट क्लेम टू शो द सिंसियरिटी ऑफ द मैटर, मतलब तुमने इतना बड़ा अमाउंट लिखा है तो ये मजाक में नहीं लिखा होगा, अगर कोई खा लेगा तो डेफिनेटली उसको मिलेगा, नहीं करेगा तो ऑब्वियसली दुकान ही बंद हो जाएगी उसकी, कहेंगे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने चुरचुर नान बेचने के चक्कर में, है ना। सो दैट्स वाई ये केस का ये डिसीजन हुआ था, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन ऑफर। अब आते हैं गाइस शॉप विंडोज डिस्प्ले। शॉप के बाहर एक शर्ट लगी हुई है, बड़ी अच्छी सी शर्ट टंगी हुई है, मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है, ये पता नहीं क्या बन गया, एक सेकंड गाइस कोशिश करता हूँ बनाने की। हाँ, ये एक ऐसी शर्ट सी है बाहर, ठीक है, ये एक बड़े हैंडसम से बंदे ने डाली हुई है शर्ट, बड़ा स्लिम सा बंदा है, तुम्हें बड़ी अच्छी लगी शर्ट ये। तुम शॉप के अंदर गए, तुमने बोला मुझे यही शर्ट चाहिए, उसने बोला सर आपके साइज़ की तो शर्ट नहीं है, आप ज़्यादा पतले हो या आप ज़्यादा मोटे हो, आपके साइज़ की शर्ट नहीं मिलेगी, या फिर शर्ट ही ख़त्म होगी, ये हमारा मटेरियल अभी है नहीं हमारे पास। तुमको गुस्सा आ गया कि भाई जब तेरे पास है ही नहीं तूने बाहर लगाया क्यों हुआ है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लगाया हुआ है ना, तुमने केस कर दिया उसके ऊपर। कर सकते हो केस गाइस, कर सकते हो, केस करने में क्या, बट क्या वो केस वैलिड होगा कि इनवैलिड, मैं बोलूँगा इट वुड बी इनवैलिड बिकॉज दैट वॉज नॉट एन ऑफर। उसने कहीं नहीं लिखा हुआ बाहर कि ये शर्ट जो भी बंदा हमारी दुकान पे आएगा उसको डेफिनेटली ये शर्ट मिलेगी ही मिलेगी, इट उसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस थी, बहुत चीज़ें थी, सो दैट इज़ जस्ट इनविटेशन टू ट्रीट, नॉट एन ऑफर। सो द फैक्ट्स, एक केस था फिशर वर्सेज बेल 1961, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट क्रिएटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑफर फॉर सेल सर्टेन ऑफेंसिव वेपन्स। A shopkeeper was prosecuted under this statute for displaying a flick knife
in the shop window and thus offering it for sale. Held, a window display was not an offer for sale but only an invitation to treat. So display में कोई law उसने infringe नहीं किया. अब तुम अगर एक दुकान के बाहर बंदूक लगा दोगे तो तुम्हारे पे कोई केस नहीं कर सकता. जनरली तो तुम सोचोगे कि भाई दुकान के बाहर बंदूक रखी हुई है इस पे तो केस करो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि वो कोई ऑफर फॉर सेल नहीं कर रहा, तुम्हें कोई बेच नहीं रहा, वो कुछ गलत उसने कहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, है ना, या कहाँ लिखा है कि तुम्हें बंदूक मिलेगी. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट एन ऑफर फॉर सेल और इसके अगेंस्ट हम केस नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत मज़ा आ रहेगा इस पर प्रैक्टिकल चीज़ें, है ना, मुझे तो गाइस बड़ा अच्छा लग रहा है. अब गुड्स ऑन शॉप शेल्फ्स, दुकान की शॉप की शेल्फ पे कुछ गुड्स पड़ी हैं. मैं ये नहीं पढ़ा रहा गाइस, तुम्हें ऑलरेडी अब आई थिंक काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे, दीज आर मियर एग्जांपल्स. तो गुड्स ऑन शॉप शेल्फ्स कैन दिस बी, तुमसे अगर मैं पूछूं व्हाट यू विल से, विल दिस बी अ इन्विटेशन टू ट्रीट और ऑफर. शेल्फ पे बुक्स पड़ी हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कुछ नहीं है, देयर लॉट ऑफ नेगोशिएशन एंड ऑल. मैंने वैसे हिंट दे ही थी है, सो दिस विल डेफिनेटली बी एन इन्विटेशन टू ऑफर. डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप इज नॉट एन ऑफर बट जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर. ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है. अब इसके बाद आते हैं हमारे टेंडर्स. अब टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर्स हमें पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज टेंडर. सो टेंडर क्या होते हैं, या गाइस लेट्स डू वन थिंग, आई विल मेक दिस वीडियो टिल हेयर ओनली, काफ़ी बड़ा है. दिस द फर्स्ट वीडियो, तो तुम एक बार पढ़ो, थोड़े बहुत चीज़ें समझो. नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टेंडर्स. हालांकि मैंने चैप्टर बहुत कम कवर किया है, बट दिस इज थ्योरी. अगर मैं 2-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊंगा सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तुम भी बोर हो जाओगे. सो इट्स बेटर कि इस वीडियो को इतना ही रखते हैं. अच्छे से पढ़ो गाइस, समझो. प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें जो मैंने पढ़ाया है अच्छा लगा कि नहीं. एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू चेंज अ बिट ऑफ माई टीचिंग स्टाइल फॉर दिस सब्जेक्ट, आई कैन डू दैट. जैसा भी हो गाइस, टू ऑल दी व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देखेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना इस चीज़ में, ठीक है. एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना. एंड गाइस प्लीज़ शेयर माई चैनल, बिकॉज दिस दी ओनली वे आई वॉन्ट यू टू एनकरेज मी, और कुछ नहीं है. आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी कंसिडरेशन, सो दैट इज़ नॉट एन ऑफर, दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ट्रीट. तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते कि सर आपने क्यों नहीं करी वो चीज़. मजाक कर रहा हूँ बट मैं करूँगा, ठीक है. चलो गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड डे, इन्जॉय दिस सब्जेक्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.